जेडे इत्थे आणगे तुहानू हसाणगे ते साडे नाल बहुत सारी खप पाउणगे। प्लीज वेलकम जोरदार ताड़ियां दे नाल गुरलाभ सिद्धू। हेलो 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 तुसी नहीं बोलना बाह हसना संदीप ठाए हुए एक तो एक ही रखे हुए ने इन्हां कोले बल्ब जी ये वो ने जिहड़े फ्यूचर दसदे हुंदे ने। चलो मैं अपनी गल सुनाउणा। मेरा नाम गुरलाभ सिंह है ते पहले मैं तुहाडे नाल गल कर सकदा? हाँ जी। वैसे तुहाडियां शकलां है ही नहीं गल करन वालियां। पढ़े लिखे तो है ना तुसी सब? इन्ना तो लगता मैनूं दो चार नहीं लगते देखण च मेरे वर्गे ने जिहड़े पर पढ़े होंगे। मैं ना सरकारी स्कूल च पढ़िया हुआ। पता सानूं सरकारी स्कूल वो होंदा जी च सरकार दी दित्ती हुई सिर्फ छुट्टी आउंदी है। सरकारी स्कूल ना तीन तरीके दे बच्चे होंदे आ। एक तो होंदे जिहड़े सवेरे 5 बजे उठ जांदे आ जी 8 बजे स्कूल लगना, नहा धो के चंगी तरह पूरे तैयार हो के 7 बजे नूं स्कूल पहुँच जांदे आ। दूजे सोडे वर्गे होंदे आ जिहड़े 8 बजे स्कूल लगना तां 7 बजे उठ के बिना मूँह धोते तों कपड़े पा के वर्दी पा के ऐं वग जांदे आ। तीजे मेरे वर्गे होंदे जिहड़े रात नूं वर्दी पा के पै जांदे आ। साडा स्कूल बहुत घैंट सी, मतलब साडे स्कूल च टीचर भी नहीं सी कोई। पता साडे स्कूल च पिंड दे लोक मैस बन जांदे सी, कहिंदे बाहर धुप है इत्थे छां रहूगी। साडा बॉयज स्कूल सीगा। दूजी गल साडे स्कूल च कोई टीचर नहीं सी चज्जदे। पता साडे स्कूलां च इस तरीके दीआं चीज़ां आउंदीआं ने, साडे स्कूल च प्रेस खबर लगदी है जदों कोई बच्चा फस्ट आउंदा है, जदों कोई एक्सट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करदा। साडे स्कूल की पहली खबर उदों लगी सी जदों साडे स्कूल च सप्प आया सी। सब सैलीब्रिटी सी साडे स्कूल दा। असी सारे आए एक्साइटेड हो गए जिवें देखे नहीं हुंदा पहलां कदे सप्प। टीचर आप एक्साइटेड हो रहे ने, जिहड़े तीन टीचर सी टीचर आप डरे हुए ने। बच्चे देख देख के टीचर नूं डायलॉग मार रहे ने, कहिंदे जी कन्न फड़ा लो वर्दी नहीं पा के आया। कुछ भी बोल रहे हैं। एक कहिंदा कहिंदा सर तुसीं पढ़ाउण लग जाओ आप ही भजूगा देखी जाए। कमेटी बनाई एक भी देखो उन्हें किमें पढ़ना। फिर पता लगे भी आप जोगी नूं लेके आने। तो स्कूल के अद्धे जवाक जोगी नूं भालण वगे। जोगी आया, जोगी ने आके सप्प देखा, पहला सप्प नूं मत्था टेकिया, फिर सानूं कहिंदा कहिंदा मैं तां बीन ही भुल्लिया। बिना बीन हुण सप्प तूं बुचकर मार के फड़ेगा भी। बाद चो दी बीन लेके आए घरों, फिर उन्हें बीन बजाउणी शुरू की। इहो जी उन्हें बीन बजाई, सप्प तां सप्प साडियां कन्नां चों खून आ गया। असीं हत्थ जोड़ते भी सप्प दा डंगिया ठीक है, तेरी बीन बंद कर ला। आखिर च सप्प मन गया भी मैं फड़िया जाऊँगा। तो जोगी नूं बाद च याद आया मैं तो पोटली भी नहीं लेके आया। फिर दो जवाक उन्हां दे घरे पोटली लैण गए, घरे जाके पता लग्गिया उन्होंने पोटली च आपदे कट्टे नूं नीरा पा रख्या। कट्टे मूरों पोटली चक लिया, उन्हां मगर कट्टा पै गया। कहिंदा मेरा गाणा चक के भज गए। आ के पोटली जोगी नूं फड़ाई, पिछों कट्टा आ गया। उत्तों जोगी दे कपड़े लाल पाए सी। हुण अगे सप्प पिछे जोगी, उदों पिछे कट्टा। ये इंसीडेंट होया सी। होया की एंड च सप्प फड़िया गया कि नहीं? एंड च कोई नहीं फड़िया गया, जोगी फड़िया गया। अपने स्कूल बारे दस रहा सी मैं। बड़े वधिया टीचर साडे ना, एक हिस्टरी दे टीचर सी, जवाकां नूं बहुत कुटदे सी। उह जिथे देखे उत्थे थप्पड़, लत्त मुक्का कुछ भी। उन्हां दा नाम ममता सी। इहदा नाम तां ममता नहीं होना चाहिए। साडे एक पीटी टीचर सीगे जिन्हां दा वेट सी 120 किलो। उह सानूं पीटी कराउंदे सी। आप दीआं बाहां उन्हां दी कूणी तक ढिड नाल जुड़ियां होईआं सी। ते गेम दे नां ते उन्हां नूं सिर्फ सप्प वाली गेम खेलणी आउंदी सी। पर फिर उन्होंने सोचा भी मैं इन्हों कोई ना कोई तैयारी करा, मैं इन्हों किसी गेम से लैके जावा। तो वो सानू गेम खेडन लैके गए। साड़ी उन्होंने टीम सिलेक्ट की कबड्डी की। तो टीम सिलेक्शन यह जी जिदे तीन मुंडे से जिन्हों का 30 किलो तो भार घट से, चार यह जी जिन्हों 90 तो ज़्यादा से। बाकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी सू, सीधे लैके कहते चलो आप मैच जित के आना। चक दे इंडिया के डायलॉग सुनाते, गाने सुनाते, ऐ पूरे खुश हो गए। जोश जोश असी गए जिते टूर्नामेंट से उत्थे अगे लंगर लग्या पाया। असी आखिया मैडल छड़ो पहला, रोटियां पाड़िए। पूरी टीम ने खा खा 13-13 रोटियां खा लिया, 3-3 कोले पी के चाह दे।
बाद च ग्राउंड च नींद आई जाए। तीन प्लेयर तो लंगर च ही सौ गए। एवें दे प्लेयर से साडे। फिर उन्होंने साडी एंट्री करवाई किवें ना किवें 10-10 रुपये इकट्ठे करके। फिर कहिंदे चलो आपां खेडण जांदे। तां जिहड़ा साडी टीम दा सब तों मेन प्लेयर सी रिंकू, रिंकू उस दिन निकर नहीं पा के आया। नहीं पेंट पाई हुई सी भाजी। एक गल पहला बोल तो जो टीम का तैयारी करते सूँ पता कबड्डी कल निकर खेड़ देते। कहता सर मेरे को तो निकर है नहीं। सर कहते तू ही तो एक है जी, तो सानू है कोई पॉइंट लेके जाएगा। तो उन्होंने कहते इस तरह कर तू मेरी निकर पा ला। और रिंकू सी 60 किलो का, सर सी 120 किलो दे। तो तुम सोच ही लिया भी रिंकू नाल की बनया। बाकी जिन्होंने एक दूजे के हाथ फड़े हुए थे, निकू ने निकर फड़ी हुई थी कबड्डी 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 कबड्डी। एक एक करके साडी टीम के सारे प्लेयर बाहर हो गए, कल्ला रिंकू रह गया। रिंकू ने सोचा हुण मैं रेड पाउन जाऊँगा। तो रेड पाउन गया, दूजी टीम ने उन्हें फड़ लिया, पर रिंकू किवें ना किवें निकल गया, पर निकर भुल गया। तो उन्हां दी सारी टीम बाहर हो गई, असीं कप जित गए। उस दिन साडी सारी टीम खुश सी, कल्ले सर दुखी सी भी मेरी निकर रह गई। असीं कप जित गए पर निकर हार गए। थैंक यू।